देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है, अब वे अपनी 4 माह के बकाए वेतन के लिए कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं। शुक्रवार को नर्सिंग स्टाफ काम छोड़ परिसर में एकत्र हुए और सरकार और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नर्सों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। कोरोना काल में उन्होंने अपनी उस वक्त सेवाएं दी जब कोई भी काम करने को राजी नहीं था, और अब उनसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन उन्हें धमका रहा है कि यदि काम नहीं करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दो। वहीं इस बारे में भी अस्पताल प्रबंधन ने नहीं बताया कि पहले जिस कंपनी के साथ नर्सेस को रखने का अनुबंध था, उसका भी अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिससे उनमें नाराजगी है। नर्सेस ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है और वे अपनी हक की लड़ाई के लिए अस्पताल परिसर में धरना देने को बाध्य होंगी, और कार्य बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक उनके वेतन के भुगतान को लेकर आश्वस्त नहीं किया जाता। इधर इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि एवीएसएम आउटसोर्स एजेंसी का सरकार से अनुबंध था, जिसके अंतर्गत इन नर्सों को नियुक्त किया गया था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो चुका है। इसके बाद अब नई एजेंसी TDS के माध्यम से 1 जुलाई से इन लोगों को दोबारा नियुक्ति दे दी गई है। अब पिछले वेतन के भुगतान के लिए सरकार से वार्ता चल रही है, जिस पर निर्णय आना बाकी है। किस प्रकार से बकाए वेतन को दिया जा सके, इस पर अस्पताल प्रबंधन कुछ नहीं कर सकता है, और सरकार ही इस विषय पर फैसला लेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। सर, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से चल गया, किस तरीके से शादी दी जाएगी? देखिए, जो है ना, AVSM के माध्यम से कुछ नर्सेज यहाँ रखी गई थी, जो कोविड काल के रखी गई थी, अच्छा काम किया उन्होंने, करा हुआ था, लेकिन AVSM एजेंसी जो थी, उससे गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट था, आउटसोर्स एजेंसी थी, वो 31 मार्च को ख़त्म हो गया था। उसका इश्यू क्या था कि इनका क्या, उनका आगे होना है। इन लोगों ने काम करा अप्रैल में, किया मई में, किया जून में, कई बार मिलने भी आए थे, कैसे होगा क्या होगा, तो इनको बोला कि गवर्नमेंट का प्रस्ताव गया हुआ है, क्या होना है क्या नहीं है, उसका विचार गवर्नमेंट कर रही, जो भी आएगा उसका भी स्पष्ट निर्देश आने बाकी हैं अभी। फिर गवर्नमेंट के साथ आया कि इनका जो नया रिक्रूटमेंट का हो गया है, तो 1 जुलाई से इनका जो था, एक नई एजेंसी आई है TDS के माध्यम से, इनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक, अब जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बात आता है अप्रैल मई जून के पेमेंट की। गवर्नमेंट को लिखा गया, जैसे वो निर्देश देगी कैसे करना है क्या करना है, वो कहते हैं हमको आज ही गारंटी दो, वो हम नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर जाना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई हड़ताल पर ना जाओ, अस्पताल काम सफा करेगा, ऐसा नहीं कि हड़ताल पर जाओ, थिंग्स माइट गो अगेंस्ट यू, तो बेटर बी केयरफुल अबाउट दिस। मतलब हड़ताल पर जाना तो एकदम अस्पताल की सर्विस पर रैनसम बनी सकता, आज समय से मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है, तो कह रहे हमको अश्योरेंस आज ही चाहिए। मैंने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, आज फिर भेज देंगे, पहले भी कई बार गया फिर हो जाएगा, ये परेशानी है, और ये सिर्फ यहीं की समस्या नहीं है, डून की भी है, श्रीनगर की भी है, अल्मोड़ा की भी यही है। तो जो भी होगा सबके लिए एक ही निर्णय होगा, वैसा होगा, और अच्छा काम करने वाले हैं। क्या कारण होता है नहीं है, अब 1 जुलाई से तो क्या रिक्रूटमेंट का कर दिया गया है, क्योंकि जब एजेंसी वाइंड अप कर दी गई थी तो 2 इश्यू थे कि इनको रखा ही क्यों गया, तभी क्यों हटाया गया था, ये भी इशू था, लेकिन अस्पताल की सर्विस ताकि चल सकें वो चलें, तो इनको इस्तेमाल करा गया, काम तो करा ही इन्होंने, नो डिनाइंग दैट, तो सब हमने अच्छा लिख रखा है कि ये है, तो गवर्नमेंट कंसिडर करेगी इनको मिलेगा, अब कब मिलेगा, आज ही मिलेगा कल मिलेगा, ये गारंटी को मेरा कहना कठिन है, तो इनको बेटर सेलशिप प्रिवेल लगेंगे, उम्मीद रखें मिलना चाहिए इनको। सर ने हमसे ये बोला है कि आपका सैलरी की बात हो रही है, जब भी उनके पास आते हैं वो यही बताते हैं कि काम हो रहा है, हम मानते हैं कि काम हो रहा है, पर सर हमें ना दिक्कत अब हो रही है, कल की हमें टेंशन नहीं है कि क्योंकि कल चाहिए सैलरी हमारी आ जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे हमारे साथ वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूम से निकाल दिया है, वो कहाँ जाएंगे, सब दिखते दूर दूर से यहाँ पर रहने आए हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे। मार्च अप्रैल से हमारी सैलरी नहीं आई है, ये चौथा महीना चल रहा है, हम लोग सर इसी होप में है कि हमारी सैलरी आ जाएगी, वो 2-3 महीने की सैलरी तो हमारी बस इसमें चलेगी, रेंट वगैरह में या सब किसने उधार लिया सब वो चीज़ों में, हमारे पास बचेगा ही क्या। आपका नाम? हिमांशी।
सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं यहाँ स्टाफ नर्स के पद पे हूँ और यहाँ पे हमें 2020 में जो पोस्टें आई थी कोविड के दौरान उसमें हमें रखा गया है। उसके बाद हमने इतने जब लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे थे तब हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन आज इन्होंने 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं दी है। उसके बाद हम लोग जब भी पूछने जाते हैं बस आश्वासन देते हैं कि आ जाएगी बोल बोल के हमें बार बार भेज देते हैं। हम लोग कल भी गए थे, कल भी इन लोगों ने यही बोला है। उसके बाद आज हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपने ऑटो का किराया दे सकें, हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही है, हमारे मकान का किराया नहीं जा रहा है। हम जब भी इनके पास जाते हैं बोलते सैलरी आ जाएगी, तुम लोग फिक्र मत करो। और आज अगर हमने स्ट्राइक किए तो बोल रहे तुम्हें कल से निकाल देंगे। हम लोग गए इनके पास तो बोला जा रहा है कि तुम्हारी हॉस्पिटल को कोई ज़रूरत नहीं है और हम तो इंटर्न से भी काम चला लेंगे। कल जब तक हमारी ज़रूरत थी कोरोना काल में तब तक इन लोगों ने हमें हाथ जोड़ जोड़ के भी बुलाया। आज हमसे बोला जा रहा है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, कल हम तुम्हारे नाम का लेटर निकाल के तुम्हें निकाल देंगे। हम गलत कर रहे हैं कि अपनी सैलरी के लिए हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। 4 महीने हो गए, इनकी अगर 1 महीने भी सैलरी ना आए तब इनको पता चले। 4 महीने से हमारे बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही, ना हमारा किराया जा रहा है। उसके बाद काम हम यहाँ बराबर कर रहे हैं, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ 31 मार्च को तो इन लोगों ने हमें कोई जानकारी नहीं दी कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। जब हम लोग गए तब हमें पता चला कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, इन लोगों ने वो भी नहीं बताया, बस अपनी मर्ज़ी से हमें काम कराया। आज बोल रहे कि हमसे गलती हो गई, तुमसे काम करा के हमें कराना ही नहीं चाहिए था। और हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आ जाती। सर, मैं बबली जंगपांगी बात कर रही हूँ, TDS के थ्रू ये सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने हमारी 3 महीने की सैलरी रोक दी गई है, और ये है कि ये लोग हमें अब आश्वासन देते रहते हैं कि आगे को तुम्हारा कुछ होगा, तुम अभी ऐसे स्ट्राइक मत करो। और सर, हमने अपनी बात रखी आज प्रिंसिपल सर के सामने तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग तुम्हें गवर्नमेंट ने हमें ये आदेश दिया है कि TDS जो AVSM कंपनी थी वो हमारे 31 मार्च को फाइनल हो चुकी है, तो इन और ये बताया गया है कि 31 मार्च को फाइनल होने के बाद हम लोगों ने तुम्हें आगे रिन्यूअल कराया है। अगर तुम लोग आगे को कुछ स्ट्राइक करते रहोगे तो हम लोग तुम्हें आगे निकाल देंगे और तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। और इस बात को लेके हमें प्रिंसिपल मैम तक भी ये बोल के गई है कि बोल रही है कि ये सरकारी काम है, इसमें अगले साल मार्च तक ये आगे ये सोच रखा है कि जब तक हम लोगों को ये सैलरी नहीं देंगे हम लोग ऐसे कार्य बहिष्कार करेंगे, स्ट्राइक पे रहेंगे। और आगे जो भी है बाकी अलग, इन लोगों ने हमारी सुन ली तो हम लोग कार्य करने के लिए भी सहमत है, अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी इस तब तक हम यहाँ पर सैलरी के लिए स्ट्राइक पे रहेंगे और अपने कार्य को नहीं बढ़ाएंगे आगे।